जवाचा थाना पुलिस ने हत्या के एक प्रकरण का खुलासा करते हुए पत्नी के हत्यारे पति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि गत 9 सितंबर को जवाचा थाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के भेरूखेड़ा गांव में एक महिला की मौत हो गई है, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त ब्यावर मनीष कुमार तथा थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह हाड़ा ने मई जाप्ता मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मौके से आसूचनाएं संकलित की गई। सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मृतका के पीहर पक्ष को दी गई। सूचना मिलने के बाद भेरूखेड़ा पहुंचे पीहर पक्ष से मृतका के भाई राजू सिंह पुत्र दूध सिंह निवासी बड़ाच बदनोर ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि हमने हमारी बहन के शव को देखा तो पाया कि उसके शरीर पर ताजा मारपीट के निशान थे, लीला के दाहिने पैर टूटा तथा सिर में चोट के निशान थे तथा कपड़े खून से सने हुए थे। मेरी बहन के साथ रात को बहुत ज्यादा मारपीट हुई जिसके कारण उसकी मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दौरान अनुसंधान पुलिस द्वारा मौके पर आसूचनाएं संकलित की जाकर प्रकरण का महज 24 घंटों में खुलासा करते हुए आरोपी पति प्रभु सिंह को डिटेन कर उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से गहराई से पूछताछ की तो उसने अपनी पत्नी पर शक के चलते उसके पत्नी लीला के साथ रात्रि में लकड़ी से मारपीट कर उसकी हत्या को अंजाम देना कबूल कर लिया, जिस पर पुलिस ने आरोपी पति प्रभु सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया। कार्रवाई के दौरान जवाचा थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह हड़ा, हेड कांस्टेबल कालू राम, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, ऋषपाल सिंह, नरेश कुमार, सुश्री पूनम कसवा, अनिल कुमार आदि शामिल रहे।